कैरावैन का पहला रूल, जब भी गाड़ी खड़ी करनी है सबसे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। अदरवाइज अगर एक बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो दूसरी बैटरी के ऊपर हम लोग डिपेंडेबल हो जाएंगे, और दूसरी डिस्चार्ज होगी फिर धक्का मारना पड़ेगा ऐसे प्लेसेस पे। एनीवेज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। गर्मी बहुत है यहाँ पे, पसीना देखिए तो आप समझ ही रहे होंगे। देखने के बाद में मेरा थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया। मैंने सोचा था कि आज हम लोग करेंगे आउटडोर कैंपिंग गुड्डा के साथ, पूजा के साथ, लेकिन थोड़ा सा वेदर गर्म है तो मैं अंदर का भी सेटअप रेडी कर रहा हूँ ताकि अगर उन लोगों को गर्मी लगे तो इसी चलाकर सो सके। और अपन तो यार ऑल वेदर वाले आदमी हैं तो कहीं भी कैसे भी किसी भी तरीके से रह सकते हैं, तो अंदर का बेड रेडी करते हैं। हमने अपना सारा सामान मनाली में शिफ्ट कर लिया है, तो अपने पास अभी वो बुटेन गैस सिलेंडर वाला गैस चूल्हा है नहीं, तो मैं लेके आ गया था अपना एलपीजी वाला ताकि यहाँ पे अपना अच्छे से यूज़ कर सके। और यू नो उसमें ना एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, जब कंटिन्यू रनिंग करते हैं ना तो उसका सिलेंडर ठंडा हो जाता है और फिर ना फ्लेम वो एक्चुअल में नहीं आता, और अगर आपको ज़्यादा खाना बनाना है तो फिर गड़बड़ होने लगती है। तो मैंने सोचा यार एलपीजी का जो हमने पहले वाला सेटअप लिया था क्यों ना वो अपने कैंपर में यूज़ किया जाए, क्योंकि आस पड़ोस में घूमना है और ये थोड़ा रीजनेबल भी पड़ता है। क्या हाल है विक्रम जी, कैसे थके थके दिख रहे हो आप? थके थके नहीं, गर्मी ने मार दिया। अरे मेरा तो हालत देखो भाई, अभी कुछ काम नहीं किया, मैं पसीने पसीने हो गया। तो आप ग्राउंड टेंट लगा रहे हो क्या लगा रहे हो? मैं दोनों सेटअप रेडी कर रहा हूँ, अगर रात को इन दोनों को गर्मी लगी तो मैंने दोनों सेटअप रेडी कर रहे हो, मतलब झगड़ा हो गया तो एक उधर एक उधर। क्या बन रहा है आपके किचन में? देखिए मैंने बनाया है चिकन। अरे वाह क्या बात है, और राइस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज आप लोगों की किचन में क्या बन रहा है? आज बना है, आई थिंक दाल बनी है। ओके छोले। क्या बात है, वैरायटी। तो फाइनली फ्रेश हो गए, गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। फिलहाल अभी आपने देखा होगा कि किसी के घर में कैसे सीटी बन रही है, कहीं रोटी बन रही है, कहीं चावल बन रहा है, कहीं चिकन बन रहा है, पर लेकिन अभी अपनी किचन ना शांत पड़ी हुई है। अभी हमने कुछ कुक नहीं किया है क्योंकि अभी तक मैनेज करें और गुड्डा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, और यू नो अंधेरा है और काफ़ी नए लोगों से वो मिल रही है तो थोड़ा सा उसको यू नो हेजिटेशन हो रहा है, लग रहा है कि वो बस रोए जा रही है। तो उसको संभालते संभालते सेटअप भी करना है और अपना काम भी पूरा करना है, तो अब करते हैं फटाफट अपना कुछ ना कुछ कुक, अदरवाइज पेट में चूहे कूद रहे हैं। Thank you.
पर्व को हम सभी यहाँ पर उल्लास। तो बिहाइंड द सीन आपने वॉइस तो सुन ली होगी, फुल माहौल सेट हो रखा है, फुल कैरोके नाइट चल रही है, कुछ लोग अपने सुरूर में भी है, समझ गए, हल्का हल्का सुरूर, और वो फैल रहा है। बाकी अभी होलिका दहन होने वाला है, तो एक काम करते हैं, ये चॉपिंग को यहीं स्टॉप करते हैं, खाना बना लेंगे, होलिका दहन एंजॉय करते हैं। तो यहाँ से लेके और आपके सामने जो जो चीज़ें नज़र आ रही है, और ठीक इसके अपोजिट में वहाँ पर भी पूरा कैंप साइट बन चुका है, और अभी होलिका दहन हो रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अपना डिनर कुक करके खा लिया है, बस कुछ लोग बचे हैं जिनमें से हम लोग हैं, और अभी हमारा डिनर कुक हुआ नहीं है क्योंकि आज गुड्डा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अभी ये खेलने लगा है, लेकिन अगर से थोड़ी ज़्यादा बातें करें ना, ये बस ये बिगड़ जाना है। तो इधर हमारी कढ़ाई चढ़ चुकी है और यहाँ पे चॉपिंग हो चुकी है, बस इसके अंदर ऑयल डालना है और फ्राई करना है, बाकी इधर हमारे राइस रेडी है। तो आज हम लोग कुक कर रहे हैं सिंपल फ्राइड राइस, और देखते हैं कैसा बनता है। वैसे आज ना बहुत ज़्यादा थक गया ड्राइव करके भी, और गर्मी की वजह से ना थोड़ा हेडेक भी हो रहा है, तो फटाफट एक बेसिक सा फूड बनाते हैं, खाते हैं और आज रात ऐसे ही निकालते हैं। ओके, तो पूरे दिन की थकान के बाद फाइनली अपने हाथ में आ गया डिनर, और डिनर करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ रही है क्योंकि पैर इस टाइम पे ना बहुत दर्द कर रहा है, हेडेक भी हो रहा है गर्मी की वजह से। कोई नहीं, ये तो चलता रहता है अपनी कैंपिंग लाइफ में। ये देखो हमारी पड़ोसी की किचन से आया है चिकन, अरे राइस तो हमारे पास है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, इनकेस एक गरम कर सकते हैं आप थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा। ओके, तो पड़ोसी की किचन से आया है हमारे पास चिकन, और गर्मा गर्म गर्म मैंने कर लिया है, देखते हैं कैसा बनाए। अपने हाथ का जो खाते रहते हैं वो तो आप देखते ही रहते हो। हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो आज पूजा ने बनाए फ्राइड राइस, नॉट गुड नॉट बैड, ठीक है, पर अभी जैसी हालत है ना, ऐसे में खाना मिल जाए बहुत बड़ी बात है। चिली चिकन वाला टेस्ट आ रहा है मुझे इसमें, चिली चिकन ही है ना, चिली चिकन बनाए। तो रात का माहौल कुछ ऐसा है कि कहीं से स्नोरिंग की आवाज़ आ रही है, कहीं से हंसी मजाक की आवाज़ आ रही है, कहीं पे बहसबाजी चल रही है, कहीं पे कैरो के गाने गाए जा रहे हैं, और कहीं ड्रिंक चल रही है। फिलहाल पूजा भी सोने को जा चुकी है और आपका भाई कर रहा है काम बैठकर। तो मैंने अभी जितना सेटअप बाहर लगाया था वो सारा पैक करके कार के अंदर डाल दिया है, क्योंकि जो टेबल थी ना वो अगर रात को बारिश आई या कुछ भी आई तो वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ना टेम्परेरी टेबल ली थी मैंने, वो चेक करने के लिए कि क्या उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब अच्छी वाली टेबल ले लेंगे क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। फिलहाल मैं सोऊंगा यहाँ पीछे टेंट के अंदर, पूजा अपना कार के अंदर सो रही है गुड्डा के साथ और बिली के साथ। तो रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मुझे लगता है कि इस व्लॉग को यहीं एंड करना चाहिए। तो ये था पहला दिन हमारा ओवरलैंडिंग का, जिसमें होलिका दहन किया गया, तो जैसा भी था आप लोगों को दिखा दिया। बाकी कल सुबह उठेंगे और खेलेंगे रंग वाली होली, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रखे हैं। फिलहाल इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, मैं डेटा कॉपी करता हूं और सोता हूं क्योंकि हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। सुबह उठ के करनी भी है एक्टिविटी और आप लोगों को मज़े भी दिलाने हैं। तो पता है ना आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, बाकी इंस्टाग्राम का लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। तो चलो इस व्लॉग को फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले धमाकेदार वाले व्लॉग में। टिल देन गुड बाय। यार अब सर आप इतनी देर तक बच रहे हैं, हम क्या करें।
गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे आता है गुस्सा मुझे प्यार पे।